और अब हमारी जो सागवान की चौखट थी उनकी चूड़े वगैरह तो निकाल दिए हैं, अब उनमें पथाम देने की तैयारी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे चूड़े निकाल दिए हैं, अब इनमें पथाम दिया जाएगा सब में। तो जितनी बड़ी बाजू है वो यहाँ पे रख दी है, छोटी बाजुओं के अभी सुराख साफ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ यहाँ पे रखी हुई है। जिन छोटी लकड़ियों के सुराख साफ हो चुके हैं उनको यहाँ पर रख दिया आरे के पास, कुछ यहाँ पर रखे हैं और कुछ रखे हैं वहाँ पे। ये बचे हुए जितनी ज्यादा इन सब के यहाँ से हमें कट देना है इनके करण बनाने के लिए, तो इनके सबके करण तैयार करेंगे अब ये। और ये हो गए आरे पे तैयार, और पताम दिया जाएगा कटर पे जो सबसे पीछे रखा हुआ है। और एक चीज दिखाता हूँ आपको अभी, देखिए हमारी अलमारी की सेफ्टी के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी, मतलब अभी एक जब भाई ने पुलर उतारा था यहाँ से और उसके हाथ के ऊपर इन्होंने डंक मार दिया है, तो आज दिन में हमने भी आज ही पता चला इसका, तो अभी उतरवाऊंगा इसको शाम के टाइम। एक पुलर यूज किया जाता है जो बैरिंग निकालने के काम आता है, जैसे पंखे वगैरह में या कोई मोटर आर्मेचर वगैरह हो ना तो उसमें बैरिंग होता है, और बैरिंग निकालने के लिए इस तरह का पुलर का यूज करते हैं। तो ये पुलर रखा हुआ था नीचे अलमारी में ही, जैसे उसने अपना वो विजय नहीं है विजय मोहन सैनी हमारा चाय वाला, तो उसको लेके आना था, उसको जरूरत थी, वो लेने के लिए जैसे उसने वो खोल ली अलमारी और अलमारी खोलते उसके इस हाथ पे लड़ गई। मैं ठीक है वो बल्कि बोल रहा था ना, बोले यार मना ही कर देता इससे अच्छा था, मैं चलो कोई बात नहीं अब तो लग चुकी है तुझे। देखिए दोस्तों इन सभी लकड़ियों के अंदर पताम दे दिया है, ये सिंगल पताम की चौकटे हैं तो एक तरफ पताम दिया है इनमें, और ये सारी पताम की फटियाँ निकल चुकी हैं जो भी पताम देते हैं। और ये रखिए बड़ी बाजू, जैसे ये वाली है ये डबल पताम की होगी, इस तरफ भी पताम और इस तरफ भी, ये सिंगल पताम की होगी, और ये जो सुराख दिखाई दे रहे हैं ना आपको ये वाले, ये करते हैं हम होल फांस के लिए, ताकि इनमें नट लग के और होल फांस लगाए जा सके और वो दीवार के अंदर फिट हो। और ये देखिए बाकी की सभी लकड़ियाँ रखी हुई यहाँ पर, तो अभी इनका काम शुरू करेंगे, कल को होगा इनका काम, तो जैसे ठोकने वगैरह का, तो आज तो इनके पताम पताम का ये काम ख़त्म हुआ है, क्योंकि कल को हमें है ना इसकी ये और निकालनी पड़ेगी जो बीच वाली होती है ये चीज़, तो ये भी निकाल लेंगे। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।